प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर के ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मजेदार एएमसी की वर्कशीट नंबर 14 जो रहेगी 2 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। क्लास की बात करें तो 9 से 12 तक के बच्चों के लिए कॉमन वर्कशीट है। बहुत ही मजेदार, एक नया एक्सपीरियंस, नया सीखेंगे आप इस वर्कशीट से। तो पूरी वीडियो जरूर देखिए, वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं आगे वर्कशीट में। पिछली वर्कशीट डर के साथ डर के पार, यानी कि मैनेज फेयर का आपने पार्ट 1 देखा, पढ़ा और समझा। आपने वहां पर क्या समझा? अपने डर को जाना, आपने डर क्या होते हैं आपके डर का पता लगाया, और ये भी जाना कि डर सभी को लगता ही लगता है। किसी को कॉकरोच से, किसी को सांप से, किसी को चूहे से, किसी को टीचर से, तो किसी को पहाड़ों से, अलग अलग डर। आज हम जानेंगे कि डर से डरने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि डरने से तो कोई फायदा नहीं है, डर के आगे जीत है। अक्षय कुमार भी खतरों के खिलाड़ी में बहुत सारे डर दिखाते हैं, तो वो आपने देखा होगा जरूर, अक्षय कुमार की याद आई होगी। तो अगर आपको अक्षय कुमार का खतरों के खिलाड़ी वाला सीरियल पसंद है, देखते हैं, तो मैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए आगे हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं। यहाँ पर देखें कि बच्चा है, इसने आंखें बंद कर रखी है, तो बस आपने भी ऐसे ही करना है। देखो, आपके फैमिली वाले सारे जब रहे, मम्मी पापा भाई बहन सारे जब एक साथ रहे, आप रात को जब खाना खाने से पहले आप 10 मिनट इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। क्या करोगे? अपनी आंखों पे आपने पट्टी बांधनी है और फिर ये कोई आपको निर्देश देगा, यानी कि कोई भाई मम्मी या वो निर्देश देंगे, और निर्देश में क्या कहेंगे, पट्टी बांधी अपनी आंखों पे, तो वो आपको निर्देश देंगे, धीरे चलो, कूदो, तेज चलो, रुको, पीछे चलो, इस तरह से वो आपको कुछ कमांड देंगे। तो देखिए, एक छोटी सी क्लिप आप देख सकते हैं, इस क्लिप का सहारा ले सकते हैं। अब खड़े हो, अब एक जंप करो, रोल कर, एक कदम फ्रंट में आ, एक कदम आ रहा, एक मिनट तो क्लिप देख लिया आपने। और क्लिप के पूरा पार्ट, अगर पूरी वीडियो देखनी है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मजेदार एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी आपने 5 से 7 मिनट तक करनी है। इसे घर में कर सकते हैं, घर के बाहर कर सकते हैं, गली में कर सकते हैं, छत में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ऐसी जगह करें जहाँ पे गिरने का, चोट लगने का डर ना हो, यानी कि नाला ना हो, कोई नुकीली चीज लोहा वगैरह ना हो, छत में बाउंड्री कंप्लीट बनी हो, गिरने का डर ना हो, या बिजली का कोई इस तरह से सामान ना हो जिससे कि करंट लगने का डर हो। तो बहुत ही मजेदार ये आपकी एक्टिविटी हो सकती है। अब आपने क्या करना है, आंखें बंद करके चलना कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस को आपने यहाँ लिखना है। आंखें बंद आपने की थी तो कैसा लगा आपको आंखें बंद करके, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, मुझे डर लगा, पूरा काला काला नजर आ रहा था, है ना। आंखें बंद करने से गिरने का डर था, चोट लगने का डर था, ये सारी चीज आप यहाँ लिखोगे। दूसरा देखो, कब सबसे ज्यादा डर लगा, तो देखो कब लगेगा आपको, मेरे ख्याल से जब आपको कूदने के लिए बोला गया तब आपको नॉर्मल तुम चल लेते हैं, जब कूदने को बोला जो ज्यादा डर लग गया, है ना। और तेज चलने के लिए कहा तो डर लग गया कि तेज चलते चलते कहीं मैं दीवार से ना टकरा जाऊं, कूदने के बाद कहीं मैं गिर ना जाऊं। तो इस तरह से आपको यहां पर लिख सकते हो, आपका नया एक्सपीरियंस भी हो सकता है जब आप करोगे तो यहां पर आप उसे लिख सकते हैं। तीसरे में देखो, डर से उबरने के लिए क्या किया आपने, तो डर से उबरने के लिए एक ही चीज है, हौसला, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। सबसे पहली चीज कि आपकी आंखें बंद है, लेकिन आप ये सोचो कि ब्लाइंड लोग भी चलते हैं, है ना, जो अंधे लोग हैं वो कैसे चलते होंगे, तो आपने ये सोचना है, यानी कि कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज, आपने निर्देशों को, कमांड को ध्यान से सुनना है। राइट मुड़ने के लिए बोला तो राइट मुड़ेंगे, लेफ्ट मुड़ने के लिए बोला तो लेफ्ट मुड़ेंगे, तो आपका पूरा फोकस कमांड पे होना चाहिए, यहाँ पर लिख दोगे। और देखो, अगली बार, यानी कि एक बार आपने किया, अब दोबारा करोगे तो आप किस एक्सपीरियंस को ऐड करोगे। तो पिछली बार आप गिरे थे कूदने में, पिछली बार तेज चलने में गिर गए थे या चोट लगी थी, तो अगली बार आप ध्यान से चलोगे कि आपको कैसे चलना है, कहां पर, तो आप कमांड में ज्यादा ध्यान दोगे, है ना। तो ये एक्टिविटी है। अब इसको आपने क्या करना, आपने तो कर लिया, अब आप अपने फैमिली वालों के साथ करोगे, यानी कि अब बारी है मम्मी की, तो मम्मी की आंखें बंद कर ली, पापा की बारी है तो पापा की आंखें बंद कर ली। इसी तरह से आप जानोगे कि जो आपका एक्सपीरियंस था
उनका एक्सपीरियंस था वो क्या सेम है या डिफरेंट है। तो आपस में आप चर्चा करोगे, बातचीत करोगे, मम्मी आपको कैसा लगा, पापा आपको कैसा लगा, भाई को कैसा लगा, बहन को कैसा लगा, ठीक है। और अगली एक्टिविटी हम जानते हैं, ये ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे सामने वॉरेन बफेट। तो देखो, डर के क्या क्या कारण प्रभाव हो सकते हैं, डर के क्या कारण हो सकते हैं, डर क्या डर जान लेते हैं तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, अगर हम डर को जान लेते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो वॉरेन बफेट ने क्या किया वो समझते हैं। यहाँ पर देखो, वॉरेन बफेट वो शेयर मार्केट के जाने मानी हस्ती है आज के टाइम में। गूगल में सर्च करो वॉरेन बफेट, नाम आएगा फर्स्ट में। एक समय था वॉरेन बफेट सफल हो गए थे, यानी कि पैसा था, बहुत एक नाम हो गया था, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास नहीं था, यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी थी उन्हें। वो सबके सामने अपनी बात ही नहीं रख पाते थे, डरते थे। आप में से भी काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लास में आंसर तो जानते हैं लेकिन टीचर से बोलने में, अपना आंसर देने में डरते होंगे, स्टेज में जाने से डरते होंगे, एनुअल फंक्शन में कुछ भी करने से वो डरते होंगे। तो यहाँ पर आप लिखो कि आपने क्या कभी एनुअल फंक्शन में या स्कूल में टीचर के सामने क्या धड़ाधड़ और फटाफट से अच्छे से कुछ बोला या किया होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर क्या किया उन्होंने, वे समझ गए कि जब तक डर है तब तक वो ऊपर नहीं बढ़ सकते। देखो, आपके अंदर भी डर होगा टीचर के सामने आंसर देने का। जब आपके फ्रेंड ने वो आंसर दिया होगा तो आपको लगा होगा, अरे यार ये तो मुझे भी पता था। तो समझ गए कि मुझे डरना नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपने डर को दूर करना पड़ेगा। देखो, डर से दोस्ती कर ली उन्होंने, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। टीचर के सामने आंसर आपके पास था, बोलना है। बच्चे हंसेंगे, हंसने दो। टीचर डांटेंगे, डांटने दो, उनका काम है ना। कोई कुछ बोलेगा, मेरा आंसर गलत होगा, कोई बात नहीं, आपने बस डर से दोस्ती करनी है, मुझे अपना जवाब देना है, मुझे ये चीज करना है, डर बिल्कुल गायब। तो डर से दोस्ती करने का आपने उन्होंने अभ्यास किया, साथ में उन्होंने देखो एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया कि पब्लिक के बीच में कैसे बोला जाता है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे, तो पिछली क्लास मेरी 10th थी, वहाँ पर मेरे पास इतने गजब के बच्चे थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेज पे बोल पाते थे, एक्टिविटी कर लेते थे। तो साथ में आपको EMC की जो वर्कशीट है वो लिंक में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी हमारी वर्कशीट देख सकते हैं। पिछले वर्कशीट में आपने देखा डर के बारे में, परिवार वालों के साथ आपने चर्चा भी की थी डर को एक आपने। अब आप और अच्छे से समझेंगे और एक ये बॉक्स है, बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, डर का कारण और डर के प्रभाव और डर से दोस्ती की जा सकती है क्या। यहाँ पर बॉक्स आप देख सकते हैं, ये 3 बॉक्स हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले बॉक्स में आपने डर का कारण एक डर लिख दिया, कौन सा डर, कोई भी डर लिख दिया आपने, सपोज करो टीचर के सामने बोलने का डर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे टीचर के सामने बोलने का डर, उसका कारण क्या है, क्यों डरे आप, आपको लगा आपका आंसर गलत है, आपको लगा आप बच्चे हंसेंगे, आपको लगा टीचर डांटेंगे, तो ये आपके कारण हो गए। डर का प्रभाव क्या हुआ, तो देखो डर का प्रभाव हुआ आपने अपना आंसर दिया ही नहीं, आपको मार्क्स मिले ही नहीं, आपको गुड वेरी गुड ऐसे शब्द मिले ही नहीं जबकि आपके पास आंसर थे, तो नुकसान हो गया आपका। यहाँ पर प्रभाव में लिखोगे और डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है, तो डर से हम दोस्ती कर सकते हैं उस डर को मन से निकाल के, अपना आंसर देके, मुझे जवाब देना है चाहे गलत हो या सही हो, बच्चे हंसेंगे तो हंसने दो, टीचर डांटेंगे डांटने दो, कोई कुछ कहेगा तो कहने दो, तो डर से दोस्ती की जा सकती है ना। दूसरा डर यहाँ पर लिख दोगे आप, मुझे पहाड़ चढ़ने का डर लगता है, तो देखो कारण पहाड़ से गिरने का, कभी आप गिर गए होंगे तो आपको ऊंचाई से डर लगता होगा, ऐसे किसी के साथ एक्सपीरियंस, या आपने कभी TV देखा हो पहाड़ों से वो करते हैं पहाड़ों से कूदने वाला है ना, तो वो देखा होगा आप डर गए होंगे, उसका प्रभाव क्या हुआ, आप कभी पहाड़ों में नहीं गए, आप पहाड़ों में जाते हो आंखें बंद कर लेते हो, है ना। इसी तरह से आप कॉकरोच से डर का लिख सकते हैं या कुछ भी और जो भी आपका डर है, तो यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं, उनका प्रभाव लिखेंगे और उस दोस्ती से कैसे, डर से दोस्ती कैसे की जा सकती है। भैया कॉकरोच से डर लगता है, आप कॉकरोच के पास जाइए, उसे डंडे से हटाइए, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो वो डर जो है वो दोस्ती हो सकती है। तो चलिए, एक बॉक्स आपके लिए लास्ट में है, नीचे दिए गए बॉक्स आपने बनाना है
और किसी डर का सामना कैसे करते हैं, कर सकते वो लिखना है। तो यहाँ पर आप लिख दो, अगर आपको कॉकरोच से डर लगता है तो आप एक आदमी बना दो और आदमी के हाथ में क्या, आपने कॉकरोच लटकाया हुआ है साथ में, या तो आप उसके हाथ में और गले में सांप लटकाया हुआ है, एक चित्र बना सकते हैं। दूसरा चित्र बना सकते हो, यहाँ पर आपने देखा पहाड़ बनाया आपने और पहाड़ पे आप खड़े हैं और आपने जो है वो हाथ फैलाए हुए हैं, आप फोटो ले रहे हो पहाड़ों पे, है ना, इस तरह से आप कर सकते हो। तीसरा, आप एनुअल फंक्शन हो रहा है आपके स्कूल में, ये स्टेज है यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और आप स्टेज में आप बोल रहे हो और सारे बच्चे जो आपको देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस तरह से चित्र बना सकते हो। स्टेज में अपने एनुअल फंक्शन में कब आपने अच्छा बोला, हमें कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए।